देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गरीब हैं और उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते। ऐसे मजबूर लोगों की मदद के लिए दिल्ली की एक संस्था पिछले 18 साल से काम कर रही है। गूंज नाम की इस संस्था का एक ही मिशन है, कोई गरीब कपड़े के बगैर ना रहे। पहले धुलाई, फिर सिलाई और बाद में पैकिंग। इस दौरान जो कपड़े ज्यादा फटे होते हैं उन्हें रिसाइकिल करके तरह तरह के बैग और छोटे बच्चों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस सेंटर में देश भर से डोनेट किए गए कपड़े और पुरानी चीजें आती हैं। पहले उनकी छटाई की जाती है, फिर उन्हें रिसाइकिल किया जाता है और जो कपड़े अच्छे नहीं होते पहले उन्हें धुला जाता है, फिर मरम्मत की जाती है और बाद में पूरा चेक करने के बाद अच्छी तरह से पैक करके जरूरतमंदों के पास भेज दिया जाता है। जो कपड़े ज्यादा फटे होते हैं उन्हें रिसाइकिल करके बैग और छोटे बच्चों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये तस्वीरें गूंज नाम की संस्था की हैं, जहां पर कपड़े, जूते, पेंसिल बॉक्स, रुमाल और खिलौने जैसे कुल 120 से ज्यादा आइटम रिसाइकिल करके जरूरतमंदों के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्था का मकसद है कि कुछ भी बर्बाद ना हो। संस्था से जुड़े वॉलंटियर्स लोगों की मदद के बाद उनसे और लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अगर एक कम्युनिटी में हमको जब किट देना होता है या सामान देना होता है तो हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो गांव में अगर देना है तो वो कुछ ना कुछ काम करें। जैसे कि बहुत सारे लोग रोड रिपेयर करते हैं, या अगर अभी हम पानी पर बात करें तो बहुत सारे लोग कई जगह पर कुएं की खुदाई होती है या तालाब की सफाई होती है, इसके एवज में हम किट देते हैं ताकि इस किट की जो वैल्यू है, जो मेहनत है, वो बनी रहे और लोग उसको एक रिस्पेक्ट के साथ ले सकें। 18 साल पहले शुरू हुई गूंज संस्था में पहली बार रेडक्रॉस से 5 बोरे पुराने कपड़े आए थे। आज ये आंकड़ा 3000 टन तक पहुंच चुका है। ठंड की मौत एक आम मौत है, उसके लिए मुआवजा नहीं होता, उसकी कोई गणना नहीं होती, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि वो ठंड से नहीं मरता, वो कपड़े की कमी से मरता है। तो फिर तो प्रिवेंटेबल डेथ है, प्रिवेंटेबल सफरिंग है, आप उसको रोक सकते हैं। बस हमारा बुनियाद बहुत छोटी सी ये थी, तो हमने कहा कि क्यों ऐसा नहीं होता कि कपड़े का एक पूरा साइकिल बनाया जाए। गूंज नाम की इस संस्था से करीब 5000 वॉलंटियर जुड़े हैं। इस संस्था के काम करने का तरीकों को देखते हुए कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में गूंज का सेंटर बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी ऑफिस अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप सेंटर के लिए उनको रिक्वेस्ट की, तो करीब 1.25 साल से हम लोग ये ड्रॉप सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। गूंज नाम की संस्था से जो भी जुड़े हैं या जो लोग हमेशा कपड़े खिलौने डोनेट करते हैं, उनको भरोसा रहता है कि उनके द्वारा दान में किए गए सामान जरूरतमंदों तक ही पहुंचेगा। तो लगता है कि यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मैं यदि कुछ डोनेट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग इन द राइट हैंड, इट इज गोइंग टू द राइट प्लेसेस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गूंज बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज के दौर में समाज में कई तरह के लोग हैं जो खाने या कपड़े को बर्बाद करते हैं। ऐसे में जरूरत है ऐसी संस्थाओं को दान करना ताकि गरीबों की मदद हो सके। सौरभ शुक्ल, इंडिया TV, दिल्ली।